हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की ग्लैमर वर्ल्ड में एक्ट्रेस के रिलेशनशिप की खबरें तो आए दिन मंजरेआम पर आती रहती हैं। कुछ अदाकार तो सरेआम ही मीडिया फोरम्स पर अपने क्रश का इजहार कर देते हैं, मगर कुछ अदाकार मीडिया की नजरों में ऐसे धूल चढ़ते हैं कि मीडिया फोरम अंदाजा ही नहीं लगा पाते कि यह जोड़ी रिलेशनशिप की वजह से है या बॉन्डिंग की वजह से एक साथ नजर आ रही है। और अगर ऐसी ही जोड़ियां एक साथ ड्रामों में आ जाए तो ड्रामों की जो रेटिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो ड्रामे बाकी ड्रामों की निस्बत ज्यादा अच्छी जा रहे होते हैं। और फ्रेंड, डायरेक्टर की भी यही कोशिश होती है कि ऐसे कपल जो रियल लाइफ में एक साथ नजर आ रहे हैं अपने ड्रामा में एक साथ कास्ट करके ड्रामे को अच्छी ज्यादा शोहरत हासिल कर सके। आज की वीडियो में हम ऐसे ड्रामे की बात कर रहे हैं, मेरा दिल मेरा दुश्मन के लीड रोल में आने वाले एक्ट्रेस अलीजे शाह और नुमान समी, इन दोनों का रियल लाइफ में ये दोनों रिलेशनशिप में है, यानी कि ये दोनों इरादा रखते हैं कि हम शादी करेंगे। और फ्रेंड्स, ये हर तरह की पार्टी में नजर आपको आएंगे, एक साथ नजर आएंगे और बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज हैं। हालांकि अलीजे शाह ने तो यहाँ तक भी बोल दिया है कि मुझे नुमान की आंखें बहुत ज्यादा अच्छी लगी हैं। इसके बाद फ्रेंड, हम बात करेंगे नवीद रजा की, जिन्होंने अपने कैरियर के आगाज में ही शादी कर ली थी। इन्होंने लव मैरिज की थी कमल के साथ और ये बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इनकी एक बेटी भी है। और ये मेरा दिल मेरा दुश्मन में बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं और इनके उस किरदार को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है जो इन्होंने ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन में प्ले किया है। इनके बाद फ्रेंड्स, हम बात करेंगे अगली सेलिब्रिटी के बारे में, उनकी हकीकी ज़िंदगी के बारे में। फ्रेंड, इनका नाम है आमिना मलिक। आमिना ने अपने कैरियर का आगाज किया था होस्टिंग और मॉडलिंग से। इनको होस्टिंग और मॉडलिंग में इतनी ज्यादा शोहरत मिली कि इन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री का रुख किया और ड्रामों में काम करना शुरू कर दिया। ये भी अपना ड्रामा में रोल बहुत अच्छा अदा कर रही हैं। फ्रेंड, इन्होंने बिजनेसमैन से शादी की और इनकी दो बेटियां हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनकी फैमिली को। और फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, ये फरीदा शबीर है और ये इनके हस्बैंड है शबीर जान की पहली बीवी का नाम था शबीम अख्तर, जो किसी वजह से शबीर जान ने उनको डिवोर्स दे दी और शबीर जान ने फरीदा से शादी की और ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके एक बेटा है और एक बेटी है। फ्रेंड, उनको भी आप देखेंगे। इनके हकीकी ज़िंदगी के बारे में मैंने आपको बताया था कि फ्रेंड, ये इनकी फैमिली है, ये इनकी कम्प्लीट फोटो है। और जब फ्रेंड्स आप देखेंगे मेरा दिल मेरा दुश्मन ड्रामा में फातिमा सुहेल को, ये इनके हस्बैंड है, लेकिन आप जानते हैं इन दोनों के दरमियान डिवोर्स हो चुकी है। और सोशल मीडिया पर आपने इनकी खबरें सुनी होंगी, बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी कुछ दिनों पहले। फ्रेंड्स, फातिमा सुहेल ने अपने हस्बैंड मोहसिन अब्बास, जो कि एक वीजे हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, उनसे डिवोर्स ले ली है। और इनका ये कहना था कि मोहसिन अब्बास ने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है, इनके आपस के क्रश की वजह से इन दोनों के दरमियान काफ़ी अलहदगी हो गई है। और फ्रेंड, ये अनम तनवीर है। अनम तनवीर ने अभी तक शादी नहीं की, हालांकि इनकी एज तो अच्छी खासी हो गई है, पता नहीं शादी इन्होंने क्यों की, लेकिन ये भी किसी न किसी रिलेशनशिप में नजर आती हैं, लेकिन ये किसी एक खास के साथ नजर नहीं आती, ये डिफरेंट लोगों के साथ नजर आती हैं, यानी कि अभी इनका शादी करने का कोई इरादा नहीं है। फ्रेंड, इस तरह गुले रानों को आप देख रहे हैं, गुले राना भी बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग करती हैं और बहुत ज्यादा ड्रामों में आ रही है। इनकी हकीकी जिंदगी में इनका एक बेटा है और ये अपनी फैमिली के साथ खड़ी है। इनके बेटे का नाम आसिम अजहर है और आप इनको भी जानते हैं। फ्रेंड्स, ये देखें, ये हैं ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन के जफर, यानी कि यासिन नवाज ने निदा यासिन से शादी की थी और इन दोनों ने भी लव मैरिज की थी। फ्रेंड्स, और ये अपनी हकीकी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हैं। यासिन नवाज और निदा यासिन के तीन बच्चे हैं, इनमें से दो बेटे हैं इन लोगों के और एक बेटी है। ये लोगों की फैमिली फोटो है जो आप देख रहे हैं, इनकी दो बेटे और एक बेटी है।